नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो 2021 के ताजा खबरों और विश्लेषण के लिए। क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस अब शुरू होने वाले हैं। आज शाम को खेले जाएंगे दो मैचेस, जहां 24 टीमों ने इस फाइनल राउंड्स को शुरू किया था। अब क्वार्टर फाइनल में सिर्फ 8 टीम रह गई हैं। पहला मैच खेला जाएगा आज रात 2 जुलाई को, दूसरा मैच खेला जाएगा 3 जुलाई को। और पहले मैच में आमने सामने होंगे स्विट्जरलैंड, जिनका सामना होगा 2010 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन के साथ। हमारे साथ है केशव दत्त, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कोच एजुकेटर हैं। कोचेस की एजुकेशन और ट्रेनिंग का दारोमदार इन पर भी है और काफी यूथ एकेडमीज में इनके स्टूडेंट्स बाहर यूरोप में, यूएस में और अलग अलग देशों में खेल रहे हैं। केशव, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुजोय जी। हम पहले अगर बात करें इस ओपनिंग टाई क्वार्टर फाइनल्स के अंदर, जहां पर स्विट्जरलैंड स्पेन का सामना कर रहा है, तो आपका अनुमान क्या कहता है? स्विट्जरलैंड ने पूरे विश्व को चकित किया है वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को हरा कर। और अगर हम उनकी बात करें तो स्विट्जरलैंड ने बड़े संयम के साथ अपना खेल खेला, जो प्री क्वार्टर फाइनल्स उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट खेला और बीच में थोड़ा डगमगाए थे, लेकिन फिर अपने आप को काबू में किया और गेम को पेनल्टी शूट आउट तक ले गए और वहां पे उन्होंने फ्रांस को मात दी 5-4 से। एम्बापे का जो शॉट है, जो यान सोमर उनके गोलकीपर है स्विट्जरलैंड के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अनुमान लगाते हुए उस गोल को सेव किया और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक ले आए। तो स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपने पे वो लेके नहीं आ रहे हैं। अगर उनका हम विश्लेषण करें उस हिसाब से तो उनके पास कोई प्रेशर नहीं है और वो एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं सुजोय जी। जाका जो उनके कप्तान है, वो जरूर इस मैच में नहीं होंगे क्योंकि वो अंडर सस्पेंशन है, 2 येलो कार्ड्स ले चुके हैं, तो इस टूर्नामेंट में, इस क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल सकते। अगर स्विट्जरलैंड आगे पहुंचेगी जरूर वो खेल सकते हैं। उनके बिना स्विट्जरलैंड क्या स्पेन को मैच कर पाएगी, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग सेंट्रल मिडफील्डर हैं जो अटैक और डिफेंस को अच्छी तरीके से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है कि वो कार्ड की वजह से नहीं खेल पाए, उनको तो नहीं खेल पाएंगे इस मैच में। लेकिन उसकी जगह अगर आप देखें तो आपका डेनिस जकारिया है, ब्रीट एम्बोलो हैं, ये सब प्लेयर हैं जो बखूबी उस रोल को निभा सकते हैं और उनकी कमी को खलने नहीं देंगे। हालांकि उनका जो एक अनुभव और उनके अंदर जो पैनापन था वो जरूर मिस होगा, पर इस लेवल के टूर्नामेंट में हम किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड ना हो के पूरी टीम को साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो आई एम श्योर कि वो इस भरपाई कर पाएंगे। डेनिस जकारिया काफी अच्छे मिडफील्डर है, रेमो फ्रीवेलर हैं, तो वो इस स्थिति में है कि वो अपना उसकी कमी को ना खलने दे, जाका की कमी को ना खलने दे। स्पेन की अगर बात करें तो लुइस एनरिके की युवा टीम पहली बार शायद किसी बड़े टूर्नामेंट में बिना किसी रियल मैड्रिड के प्लेयर के साथ खेल रही है। सर्जियो बुस्केट्स अच्छे आ गए हैं, वो कोविड-19 से अच्छी उनने वापसी की है, मगर दूसरे प्लेयर्स और जब हम इनके आपस में बात करें तो स्पेन का पलड़ा कितना भारी है? सुजो, स्पेन का पलड़ा अगर हम देखें और इतिहास देखें तो स्पेन का पलड़ा भारी है क्योंकि एक अच्छी टीम है और स्पेन ने जो है थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया था इनिशियल स्टेज में। वो काफी बॉल पोजीशन होने के बाद भी उन्होंने स्वीडन के साथ आई थिंक ड्रॉ खेला था, तो उनको इनिशियल लगा है, लेकिन एक टीम है जिसके पास पूरा ऑनर है, तो बेस्ट गोलकीपर है उनके पास, डेविड डिगिया है उनके पास और उनके जो टोरेस है, फेरान टोरेस है, तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं सुजोय काफी इनके पास दमखम है और इनका ये है कि ये बहुत ही संयम के साथ खेलती हैं और स्पेन का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा जहां तक
मेरा अनुमान है, और स्पेन और लुइस के जो है काफी अच्छी तरह से इस टीम को हैंडल करते हैं, और उनको ये बखूबी पता है कि इस टीम को किस तरह से इनको सही दिशा में ले जाना है, कैसे एकजुट करके इनको रखा है उन्होंने जो इस लेवल पे। तो समय बहुत कम है हमारे पास, फाइनल प्रेडिक्शन कौन जीतेगा और स्कोर लाइन क्या रहेगा? फाइनल प्रेडिक्शन, ये पेनल्टी शूट आउट तक जाना चाहिए, और 15 मिनट अगर स्विट्जरलैंड होल्ड कर लेती इनको, और हो सकता है स्पेन का पलड़न डेफिनेटली भारी है, तो अब मैं कहूंगा कि स्पेन को अगर ध्यान में रखूं तो स्पेन के जीतने के चांसेस ज्यादा, 1-0 से जीत सकती है अगर रेगुलर टाइम में देखें। अगर पेनल्टी शूट आउट में गया तो फिर कहना मुश्किल है, फिर तो किसी भी तरफ ये गेम फॉरवर्ड बदल सकता है, मतलब किसी भी पक्ष में जा सकता है। 1-0 मैं स्पेन के ऊपर ये प्रेडिक्शन दूंगा। वेल थैंक यू केशव, और इसके साथ हम आपको ये बताते थे कि आप जुड़े रहिएगा इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के साथ, हम आएंगे आपके साथ दूसरे क्वार्टर फाइनल मैचेस के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे और कोच केशव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।